अभी वापस से बात करते हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की। इस मूवी के बारे में जितना सोचो उतने सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन आज का टॉपिक वांडा को लेके है जिसके बारे में कोई उतनी बात नहीं कर रहा है। सब बस इतना ही बोल रहे हैं कि या तो वो विलन हो सकती है या फिर नहीं। तो अभी सबने ये न्यूज तो सुनी ली होगी कि एलिजाबेथ ऑल्सन का कॉन्ट्रैक्ट मार्वल 7 साल के लिए एक्सटेंड करने का प्लान कर रहा है, यानी कि आने वाले फेजेस में उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा। क्योंकि बिजनेस माइंड से कॉमर्शियलाइज होकर अगर सोचें तो अपने बड़े नाम जैसे कि थॉर, वांडा, डॉक्टर स्ट्रेंज, इन सबको इतनी जल्दी नहीं हटा सकते। तो हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वांडा और म्यूटेंट्स का एग्जिस्टेंस आने वाले एमसीयू फेजेस के लिए एक की मूवमेंट है। तो जैसा कि मैं अपने कई सारे प्रीवियस वीडियोस में बोल ही चुका हूँ कि इस बार वांडा नो मोर म्यूटेंट्स की जगह नो मोर म्यूटेंट्स जैसा कुछ करेगी। अब वांडा की ओरिजिन तो हम सब सुन चुके हैं कि कैसे जब वो एक छोटी बच्ची थी तब उसकी पावर्स ने स्टार्क बॉम्ब से उसकी और पियोट्रो की जान बचाई थी, और हमें ये भी बताया गया था कि कैसे उन दोनों की पावर्स एक्टिवेट की गई थी माइंड स्टोन से, लेकिन हमें कभी भी क्लियरली उनकी पावर्स का सीक्रेट नहीं बताया। और क्योंकि अब फॉक्स डिज्नी के अंडर है तो बिग रिवील यही होगा कि वांडा और पियोट्रो स्टार्टिंग से ही म्यूटेंट्स थे, और उनके जैसे एमसीयू में और भी कई सारे म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। और बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ट्रेलर में जब प्रोफेसर एक्स बोलते हैं कि हमें इसे सच बता देना चाहिए, तो मे बी वो उसे म्यूटेंट्स के एग्जिस्टेंस और वांडा की कैपेबिलिटीज के बारे में बताना चाहते हूं। क्योंकि चार्ल्स जेवियर ने म्यूटेंट्स को घर इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, पर इसलिए क्योंकि म्यूटेंट्स मार्वल के सबसे डेंजरस कैरेक्टर्स में से एक हैं, और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने उनकी हेल्प से वांडा को कंट्रोल नहीं किया तो उसकी पावर्स पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। क्योंकि वांडा की पावर्स उसके पैदा होने के साथ से ही है, तो उसने ये सारी चीजें किसी से सीखी नहीं है और वो अपनी इस पावर्स को किसी भी लिमिट तक यूज कर सकती है। और जब इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी सब मिलकर उसे फाइनली डाउन कर देंगे ताकि वो मूवी के एक्चुअल विलन को डिफीट कर सकें, तो क्या बचेगा? वांडा पूरी तरह से अकेली हो जाएगी और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपनी पावर से कभी भी दूसरों को हर्ट नहीं करने की। तो अब यहाँ पे आ जाती है एक दमदार थ्योरी कि वांडा ही हमें म्यूटेंट से इंट्रोड्यूस कराएगी, क्योंकि वो खुद एक म्यूटेंट है तो वो अपनी जगह इन्हीं म्यूटेंट्स के साथ ढूंढेगी। और यही वजह है कि ये 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा है, क्योंकि एमसीयू में म्यूटेंट्स आने वाले हैं तो उनको बाकी के ऑलरेडी क्रिएट हो चुके म्यूटेंट्स को एमसीयू से इंट्रोड्यूस कराने का काम वांडा ही करेगी, ठीक उसी तरह से जैसे स्पाइडी को बाकी सारे हीरो से इंट्रोड्यूस टोनी स्टार्क ने करवाया था। वो पहले से स्पाइडरमैन था पर वो किसी भी बड़े सुपर हीरो प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं था। तो एमसीयू में म्यूटेंट्स एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन साथ में नहीं है और उनका किसी भी बड़े इवेंट से कोई नाता नहीं है, तो वांडा ही होगी जो उनको इस बड़े यूनिवर्स का पार्ट बनाएगी। अब यहाँ पे एक और थ्योरी है जो कि काफी पुरानी है कि जब विजन को माइंड स्टोन मिला था तो उसे पूरे एमसीयू में म्यूटेंट्स के एग्जिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी पता चल गया था, और इसी तरह वो वांडा के क्लोज था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि उसके खुद की तरह सब हीरोज के बीच में वांडा भी एक डिफरेंट पर्सन है जिसे उसके अलावा उनमें से कोई और नहीं समझता। और जैसा कि कहावत है कि दो ऑड्स एक इवन बनाते हैं, लेकिन इस थ्योरी का एक्सटेंट ये भी है कि एक्चुअली चार्ल्स जेवियर भी एग्जिस्ट करता था एमसीयू में पहले से, और उसने ही इन म्यूटेंट्स का एग्जिस्टेंस पूरी दुनिया से छुपा रखा था, वरना दुनिया उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहेगी जिससे वार क्रिएट हो जाएगा। और विजन ने ये सारा कुछ माइंड स्टोन से देख और समझ लिया था, इसीलिए वो वांडा को प्रोटेक्ट करना चाहता था जिस तरह से चार्ल्स जेवियर बाकी सारे म्यूटेंट्स को कर रहा था। लेकिन अब विजन तो है नहीं, तो वांडा में भी उन म्यूटेंट्स को फाइनली ढूंढ लेगी और उनका पार्ट बन जाएगी। तो गाइज ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको वांडा के एमसीयू के फ्यूचर के बारे में बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में हमें बताओ कि इस चुड़ैल के साथ में क्या होगा एमसीयू में। और इसी के साथ वांडा और विजन के एक्चुअल रिलेशन को समझने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और किस तरह से एक्समैन की टीम एमसीयू में इंट्रोड्यूस होगी ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मे द फोर्स बी विद यू।